जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा यूपी इलेक्शन के बारे में जो 2017 में हुए हैं। आप हम सभी के मन में एक बात है कि यूपी का इलेक्शन कौन जीतने वाला है। हालांकि पांच राज्यों में जो है चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश हमारा, उसकी सबसे बड़ी लोगों के दिमाग में यह है कि कौन इसको जीतेगा। दोस्तों जिस दिन से इलेक्शंस शुरू हुए हैं, वोटिंग जिस दिन से शुरू हुई है, उस दिन से लेके आज तक मैंने भी इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, जानी हैं और काफ़ी सारा एनालिसिस करके उनको समझ के जोड़ के घटा के मैंने भी एक एग्जिट पोल कह लीजिए या एक रिजल्ट कह लीजिए वो मैं आपके लिए बनाया है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम उसको करीब से करीब जो रिजल्ट आएगा वहां तक उसको आपको सही बिल्कुल मैं बता सकूं कि लगभग लगभग कितना सीट किस पार्टी के पास आने वाली है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी इस चीज की श्योरिटी नहीं लेता हूं कि मेरी जो बात है वो बिल्कुल सच होगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ चीज मैं थोड़ी सी जो मैंने अपनी वर्किंग की है, जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो रुझान हैं, जो लोगों के दावे हैं, जो बातें हैं, उन सबको इकट्ठा करके समेट के मैंने जो आपके लिए एक रिजल्ट बनाया है वो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो बता दूं, मेरा बिल्कुल भी किसी का भी दिल तोड़ने का या दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का समर्थक हो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्तों बस मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैंने एक चीज ये आप लोगों के लिए बना ली। तो मैं आपको हालांकि पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं और आज वोटिंग खत्म हो चुकी है हमारी, लेकिन मैं यूपी का ही क्योंकि मैंने वर्किंग की है तो मैं उसका आपको अभी बताता हूं कि मेरे हिसाब से किस पार्टी के खाते में या किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। 11 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं या मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे हिसाब से जो सबसे छोटी पार्टी यूपी के चुनाव में होने वाली है वो है बीएसपी की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी को मेरे हिसाब से लगभग 70 से 85 सीटें मिलने वाली हैं। 70 to 85 सीट्स बीएसपी को मिलने वाली हैं। और मैंने कई सारी चीजों को इकट्ठा करके मिला के तभी ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो थर्ड नंबर पे जो मेरे हिसाब से जो पार्टी आ रही है वो 70 to 85 सीट्स के साथ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी आने वाली है। और दूसरे स्थान पे जो आने वाली है पार्टी वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। मेरी राय में 120 से 135 सीट के बराबर लगभग सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिलने वाली है। ये मेरा सिर्फ अंदाजा है दोस्तों, जो भी वर्किंग मैंने की है सबको मिला के बना के तैयार करके आपके सामने मैं ये बात रख रहा हूँ। इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि बात बिल्कुल पक्की हो, और ऐसा भी हो सकता है ये बात बिल्कुल सही भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कुछ सही हो कुछ गलत। सिर्फ एक अंदाजा है, कुछ आंकड़े हैं, कुछ सिस्टम है, क्योंकि ये चीज कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता है किसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये बात तभी साबित होगी जब 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो मैं आपको सिर्फ अपनी जो मेरी वर्किंग है उसके बारे में जो मैंने रिजल्ट मेरे हिसाब से जो निकले हैं वो बता रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी को 120 से 135 सीटें मेरे हिसाब से मिलेंगी। और सबसे बड़ी पार्टी या पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट जो बनने वाली है मेरे हिसाब से वो बीजेपी की बनेगी। लगभग 190 से 210 सीट या 190 195 से 210 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। इसकी पूरी गारंटी नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने ही बने। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि त्रिशंकु परिणाम हो जाए, किसी की भी गवर्नमेंट ना बने। 190 से 210 मेरे आंकड़े के हिसाब से जो मुझे लगता है सीट आने वाली है बीजेपी की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी की। मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। अगर किसी को मेरी वीडियो बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज तक के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार मैं आपके सामने फिर एक अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। अपने देश को साफ सुथरा रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।
टेक केयर।